परमेश्वर के धन्य नाम को अनुग्रहित इस शुभ दिन में महिमा मिलने पाए। होशे भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 8वें अध्याय का 8वां वचन। इसराइल निगला गया, अब वह अन्य जातियों में ऐसे निकम्मे ठहरे जैसे तुच्छ बर्तन ठहरता है। अनुग्रहित परमेश्वर के वचन में से परमेश्वर आज सुबह जो हमसे प्रश्न पूछता है वह यह है कि हम कैसे बर्तन हैं। पूर्व पवित्र शास्त्र में कई प्रकार के बर्तनों के बारे में बताया गया है, उसका हमसे संबंध है और हमें अर्थ रख कर कहा गया है। इस बात को हमें समझना जरूरी है। आज जिस वचन के भाग को हमने पढ़ा वहां इसराइल को निगला गया ऐसा बताया गया है, अर्थात इसराइल की पहचान खो गई, इसराइल का अधिकार नष्ट हो गया। वे लोग किन्हीं और परिस्थितियों में उलझ कर फिसल कर गिर पड़े, उन्हें किन्हीं और शक्तियों ने निगल लिया है। इसी कारण परमेश्वर कहता है कि मेरे लोग तुच्छ बर्तन के समान ठहरे हैं। लोग ऐसे हो गए हैं जिन्हें परमेश्वर पसंद नहीं करता है। प्रियो, हमें ऐसे बर्तन बनने को नहीं बुलाया गया है जो परमेश्वर को नापसंद हो। दूसरे तिमोथियुस 2वें अध्याय के 21वें वाक्य के अनुसार, जो स्वामी के लिए उपयोगी हो, साफ और पवित्र, अच्छी तरह से सेवा के लिए उपयोग किए जाने वाले आदर के बर्तन बनकर रहना ही परमेश्वर हमारे विषय में चाहता है। परमेश्वर की स्तुति हो। ऐसा कहे कि मैं ऐसा बर्तन नहीं हूँ जो परमेश्वर को नापसंद हूँ, परंतु परमेश्वर के उपयोगी एक आदर का बर्तन हूँ। रोमियो की पत्री उसके 9वें अध्याय के पहले 24वें आयत और फिर 23वें आयत को पढ़कर यदि हम मनन करें तो नाश योग्य हमें, कोप के योग्य बर्तन रूपी हमें, परमेश्वर ने अपनी महिमा के धन को प्रकट करने के कारण बुलाकर अलग करके परमेश्वर की दया के बर्तन बना दिया, उस अनुभव को हम प्रतिदिन याद करने वाले बने। यह वचन अपने हृदय में लिखकर प्रतिदिन अपने समर्पण को नया करके परमेश्वर से कहने पाए, हे परमेश्वर, एक ऐसा समय था कि मैं कोप का बर्तन बन गया था, लेकिन फिर से उस प्रकार से पतन की ओर न जाकर आपकी दया के बर्तन के तौर पर ठहर कर आपकी महिमा को प्रकट करूंगा, ऐसा हम कहने पाए। एक और बड़ी विशेषता वाले बर्तन का नाम सुनकर हम आज के मनन को समाप्त करेंगे और उसके बाद के भाग को हम कल मनन करेंगे। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 4वें अध्याय के 7वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ही ओर से ठहरे। प्रियो, हमारे शरीर को परमेश्वर जिस नाम से पुकारता है वह है मिट्टी के बर्तन, फिर चाहे वह किसी भी रंग का हो, किसी भी उम्र का हो, किसी भी देश का क्यों ना हो, परमेश्वर एक नाम से उसे पुकारता है, वह है मिट्टी के बर्तन। मिट्टी का बर्तन कहकर यूं ही तोड़ने के बजाय परमेश्वर ने उस मिट्टी के बर्तन में असीम सामर्थ उंडेल दी है। वह हमारा स्वयं का नहीं है, वह परमेश्वर का वरदान है। वह असीम शक्ति है, वह एक बड़ा खजाना है। हम इस बात को समझे कि वह इस मिट्टी के बर्तन में उंडेला गया है। मेरे प्रिय श्रोताओं, आज सुबह हमारे जीवन रूपी ये बर्तन परमेश्वर को नापसंद एक बर्तन होकर इस दिन भी इस महामारी को पार करने के बावजूद नापसंद एक बर्तन के रूप में हम अब भी बने हुए हैं, या फिर परमेश्वर के काम के लिए परमेश्वर जिसे चुनकर इस्तेमाल करना चाहता हो ऐसे एक आदर का बर्तन बनने की आप इच्छा करते हैं? दूसरे अंतिम न्याय के समय परमेश्वर का कोप जब भड़केगा तब परमेश्वर के कोप के बर्तन बनने के लिए बचे रहने वाले नहीं परंतु परमेश्वर की दया की वर्षा करने वाले दया के बर्तन हम बन जाए। अगर ऐसे अपने आप को समर्पित करेंगे तो परमेश्वर अपनी असीम सामर्थ हमारे मिट्टी के बर्तनों में आज सुबह अपना खजाना बनाकर भेजने के लिए सशक्त है। इस वचन को ग्रहण कर हृदय में गहराई से उतार कर परमेश्वर अपनी असीम सामर्थ को इस मिट्टी के बर्तन में जरा उंडेल ऐसी प्रार्थना करके शुद्धिकरण प्राप्त करेंगे तो परमेश्वर अपनी असीम सामर्थ को जरूर हमारे मिट्टी के बर्तनों में प्रकट करेगा। आइए एक साथ प्रार्थना करें। पवित्र पिता, हम अपने जीवन को आपके सम्मुख सौंपते हैं।
परमेश्वर कोप के बर्तन बनकर या आपको नापसंद बर्तन बनकर नहीं, परंतु आपके आदर का बर्तन बनाकर आपकी असीम सामर्थ को आज सुबह इस वचन के आधार पर हमारे मिट्टी के डेरों में, मिट्टी के बर्तनों में उतरने दें। वायदे के अनुसार हम होने पाए, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। प्रार्थना सुनी, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबका दिन अनुग्रहित हो।